वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज सबसे पहले हम अपना बेसिकली रूटीन वर्क करेंगे, उसके बाद हमारे घर में आज बारबेक्यू है तो फिर हम बारबेक्यू की तैयारी करेंगे। हमारी बलून मौली फिश बिल्कुल एक्टिव है, साथ में हमारा स्नेल भी बिल्कुल सेट है और जो हमने बच्चे डाले थे वो भी बिल्कुल सेट है। ये देखें सारी चीज़ें बिल्कुल ओके चल रही हैं यहाँ पे। ये देखें दूसरी आ गई। इसके अलावा जो है इस टैंक में सारी चीज़ें जो हमारे पास स्नेल्स वगैरह हैं वो तकरीबन 5 किस्म की हो चुकी हैं और अब ये कि हम बड़े स्नेल्स का वेट कर रहे हैं। ये आ गई हमारी ट्विन सिस्टर्स जो कि कभी सही हो जाती हैं कभी बीमार हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इनको शिफ्ट नहीं कर पा रहे। जैसे ही ये सही हो जाएंगी हम इनको अपने मास्टर केज में छोड़ देंगे ताकि वहाँ पे से एडजस्ट हो सके बाकी चूज़ों के साथ, मगर ये सही हो ही नहीं रही हैं। ये हम आ गए अपने सनी के पास और उसके दोस्तों के पास, बिल्कुल सारे एक्टिव हैं। शिल्पा भी बिल्कुल सेट है। शिल्पा को हमें बाहर निकालना है मगर हम निकाल नहीं पा रहे क्योंकि अभी तक उसका पिंजरा सेट नहीं हो पाया है। जैसे ही उसका पिंजरा हम बाहर निकाल देंगे शिल्पा को भी हम बाहर मूव कर देंगे। ये हमारा बारबेक्यू स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले हमारा चिकन का टिक्का पकड़ा है, आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखें बहुत ही यमी यमी किस्म के जो है वो चिकन टिक्का तैयार हो रहे हैं। साथ में जो है वो धागा कबाब भी बन रहा है और साथ में जो है वो बोटी भी बनेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें सारी चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी कुछ बन रहा है। ये कुछ बन चुके हैं चिकन टिक्का, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बनने के बाद कैसी शक्ल इनकी निकली है, काफ़ी मज़ेदार है। काफ़ी कुछ बन चुका है और काफ़ी कुछ अभी बनना रह गया है, दिखाता हूँ आपको। ये भी बन गई हैं।
आज हमने आपको अपना बारबेक्यू दिखाया। आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।